और आगे बढ़े बात कर ले सपा विधायक आजम खान की, तो विधानमंडल दल में बजट सत्र में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आजम खान विधायक पद की शपथ भी लेंगे। जेल में रहने की वजह से आजम विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। देर रात रामपुर से रवाना होकर आजम लखनऊ पहुंच गए हैं, बेटे के साथ पहुंचे हैं। स्वार से विधानसभा सीट से विधायक है अब्दुल्ला आजम, वो भी उनके साथ ही है। रामपुर से लखनऊ जाने के सवाल पर आजम खान ने कुछ भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता, यानी शायराना अंदाज में टाल गए। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि बताना नहीं चाहते हैं, वो अपनी लोकेशन, अपनी तमाम जानकारियां स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। जेल में इंस्पेक्टर ये फिर दे सकता है, अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका इनकाउंटर। तो जब इतने खतरे हों तो ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए, इस तरीके से टाल गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई, अपने सफर की जानकारी ना देने की वजह ये बताई है। इतनी मुकदमे हैं कि एनकाउंटर ना हो जाए, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और उधर मऊ पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर बयान दिया है और कहा है कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सहयोगी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच से ही नसीहत देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है, अखिलेश यादव को भी कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए, अपने पार्टी के नेताओं से आकर के मुलाकात करनी चाहिए। तो बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, इस बार क्या बयान दिया है सुनिए आप। कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं, विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा, नहीं उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना, अब उनको निकालेंगे हम जाएंगे तो ना। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से, उनका रुख करते हैं क्योंकि लखनऊ के सियासी गलियारों में इनके बयान को लेकर भी खूब चर्चा होती है। अभी क्या चर्चा चल रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेबाकी और बड़बोलापन दोनों पहलू देखा जाता है जब कभी भी ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं। इस बार नसीहत भी दे दी है अपने ही नेता को और दूसरी तरफ ये कह दिया है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां। शैलेश, बिल्कुल स्नेहा, देखिए जो दो शब्दों का आपने जिक्र किया इसी से उनकी पहचान है ओम प्रकाश राजभर की। जब वो, और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि वो किसी के साथ रहे, छोड़ते किसी को नहीं है। जब वो मंत्री थे सरकार में, पिछले योगी सरकार पार्टनर में, अगर उस समय को आप याद करिए तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, छोड़ते किसी को नहीं थे। और यही वजह रही कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब सी होती चली गई कि उसके बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो अब वो सपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके अगर आप बयानों को देखिए तो कभी वो अखिलेश यादव पर तंज कर देंगे, कभी वो सपा में जो भूमिका है कई विधायकों की उस पर तंज कर देते हैं, कभी वो जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जैसे सुबह सपा एक सहयोगी दल, वैसे तमाम और सहयोगी दल भी है, चाहे RLD की बात करिए, चाहे केशव देव मौर्य की बात कीजिए, संजय सिंह चौहान की बात कीजिए, तो वो कब किसके लिए क्या बोल देंगे ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यही उनकी कह लीजिए पहचान भी है, इसीलिए वो पहचाने जाते। इस बार जो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर तंज किया है वो बहुत बड़ा तंज है कि उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए। यदि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ये मानते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक तो सत्ता पक्ष कहता था कि वो ट्विटर पर एक्टिव है, ऐसा लगता है अब तो ओम प्रकाश राजभर भी वही बात बोलने लगे हैं। दूसरी चीज़ आजम खान को लेकर जो उन्होंने कहा कि जाएंगे कहाँ, तो देखिए उसके दो पहलू आप ले सकते हैं। एक ये भी पहलू है कि शायद इतना भरोसा कि वो सपा को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा पहलू ये कि आजम खान के सामने कोई विकल्प नहीं है। तो ये दोनों पहलू उनके हैं, लेकिन इसी पे राय जब हमने पहले एबीपी गंगा पर ली शैलेश, तो वो दिन भी हमें याद है जब वो कहे थे कि हमें उनसे मिलने से कौन रोक सकता है, जेल में भी हम जाहिद गुरु ऐसे कह रहे थे, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करते, अब बाहर आ गए हैं तो ये कह रहे हैं, उनपे ऑप्शन कहाँ है, जाएंगे कहाँ। तो तमाम चीजों पर हमारी चर्चा चलती रहेगी शैलेश, शुक्रिया आपका।